आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर ईरज राजा के कुशल निर्देशन और एसीपी असीम चौधरी के मार्गदर्शन के साथ सीओ सिटी गिरजा शंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में एसओजी सर्विलेंस टीम प्रभारी योगेश पाठक और थाना कोतवाली उरई प्रभारी शिव कुमार राठौर द्वारा 50,000 के अंतर्राज्यीय इनामी अपराधी से हुई मुठभेड़ के दौरान हाथ और पैर में गोली लगने से अपराधी घायल हो गया। साथ ही पुलिस ने मौके से लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। आज रात में लगभग 1:45 बजे के आसपास कोच रोड पर थाना क्षेत्र उरई में एक 50,000 इनामी के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसका नाम सुभाष फट्टी है। ये ग्वालियर का रहने वाला है और इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, लगभग 45 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें से कई मुकदमे डकैती के साथ हत्या के भी इसके ऊपर हैं। और वर्तमान में जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, नरसिंहपुर से, मध्य प्रदेश से भी वांछित है हत्या और डकैती के मुकदमे में। इसके अलावा हमारे यहाँ से भी कई मुकदमों में, चोरी के बड़े घटनाओं में ये वांछित था। इसके अलावा कई जनपदों से अभी भी ये वांछित है और काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है। आज एसओजी एवं थाना क्षेत्र उरई की जो टीम थी उसके साथ इसकी मुठभेड़ हुई है, चेकिंग के दौरान जब इसको रोका गया। और अभी ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कल थाना क्षेत्र उरई में एक घटना हुई थी, कल रात में लगभग 2:30-3 बजे के आसपास, जिसमें एक दूध बेचने वाले व्यक्ति से उसकी बाइक लूटी गई थी एवं फायरिंग भी की गई थी, वो भी इसके द्वारा ही की गई थी। वो बाइक जो कल लूटी गई थी, सेम वही बाइक आज रिकवर हुई है। अभी उसके बारे में और जानकारी की जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी सफलता है एसओजी एवं थाना उरई की, और ऐसे ही अपराधियों के विरुद्ध हम लोग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी एवं अन्य अपराधी भी हमारे रडार में हैं। बहुत ही जल्द उनके ऊपर भी, इसके पूरे गैंग के ऊपर, जो रट्टी सट्टी गैंग है, इसके ऊपर भी हम भविष्य में कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।